नाम तो आपने देख ही लिया होगा, स्टॉक बास्केट 2023। तो मैं आज अपना डिस्कशन का टॉपिक भी मैं सोच रहा था कि मैंने चलो बहुत हो गई बात की, क्या हुआ। मेन यही है कि कैसा रहा टोटल ईयर और अब क्या प्लान है। मतलब एक होता है ना कि अपन लॉन्ग टर्म का प्लान तो करते ही है कि हाँ भाई 2023 में इस तरीके का क्या प्लान है, क्या कौन से सेक्टर पे हम एक ओवरऑल ईयर के हिसाब से बात करेंगे, नॉट लाइक अ मंथ के हिसाब से, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से टोटल की 2023 में क्या हम निफ्टी देख रहे हैं, क्या बैंक निफ्टी देख रहे हैं, किस सेक्टर में मूवमेंट देख सकते हैं, कैसा रहेगा। हाँ होता है कि एग्जैक्ट नहीं होता है, बहुत सारे समीकरण जो होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज के ऊपर। तो बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं स्टार्ट, बताइएगा जरा 2022 के बारे में कि पहले 22 कैसा गया आपका, लगभग खत्म ही हो चुका अब तो, कितने दिन बचे हैं, ये तो ना के बराबर ही है। मोहन जी, अभी तो महीना है। वैसे ये जो आपका जो आज शुरू किया है, एक्चुअली होना चाहिए थोड़ा सा लेट, लेकिन अच्छा है। अभी 15-20 दिन रह गए हैं। तो दो हजार बाईस हमारा शुरू काफी अच्छा हुआ था। आपको पता है ट्राइब के साथ भी हम 2022 में ही जुड़े हैं, शायद जनवरी के आसपास। और उस समय शायद मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया था, वहां मुझे आया था आपके सीईओ का फोन मैसेज आया था, तो वहां से हम लोग टच में आए थे। फिर इंडिया आके फिर हमने जो है ये आपके साथ ज्वाइन किया, और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म से आपको ज्वाइन किया, और जिससे हम एक जो है कि जो हमारा जो मैनुअल वर्क था वो काफी खत्म हो गया। इट जस्ट लाइक एल्गो। तो काफी अच्छे स्टॉक्स हमारे गए, लेकिन कंपेयर टू अगर मैं आ रही इसके अंदर, लेकिन इस साल इतने ज्यादा अभी तक नहीं है। अब जो है चलना शुरू हुआ है अच्छे से, ठीक है। क्या मेरा डिस्कनेक्ट हो गया क्या, आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है, आ तो रही है। 2022 जो है वो काफी अच्छा इसमें चला, काफी अच्छे स्टॉक्स हमने लिए, सही टाइम पर लिए। जैसे आपका जो है आइशर मोटर्स हमने लिया था काफी नीचे, अदानी ट्रांसमिशन 2 बार लिया था, 2 बार प्रॉफिट बुक किया उसके अंदर। कई स्टॉक्स जो है हमारे जो है आईटीसी लेके रखा हुआ है, पिछले साल का काफी अच्छा ऊपर चल रहा है। सांगवी मूवर्स काफी ऊपर चल रहा है। उसके बाद जो अच्छे स्टॉक टाटा इलेक्सी भी सही टाइम पे ले लिया, बजाज फाइनेंस जब नीचे गिरा हमने ले लिया, जो कि एकदम बिना स्टॉप लॉस वाले हैं। उसके बाद हमने ये LTI लिया जो कि नीचे ही चल रहा है। एशियन पेंट्स हमने लिया जब नीचे गिरावट आई थी। तो ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं जो हमने लेके रखे हुए हैं, जिनको आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है लगाने की। आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है। 30-40% के CAGR के साथ ये कंपनीज ग्रो हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात की ये लाइव स्टॉक्स हैं। जैसे आपका एशियन पेंट है, वो लाइव स्टॉक है। उसको हमको हमारे घर में चाहे कुछ भी हो, शादी हो, कुछ फंक्शन हो, दिवाली हो, नया साल हो, कुछ बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, तो हमको घर में पेंट तो करना ही करना है। और ये पेंट हमने हर साल करना है, एक बार भी नहीं कि एक बार कर दिया तो 5 साल छुटना। वी हैव टू डू इट एवरी ईयर। और आजकल तो नई नई वेराइटीज आ रहे हैं। पहले हमको प्राइमर मारना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका पेंट मारो, फिर उसके बाद एक वॉल पुट्टी अलग से है, आउटसाइड के पेंट अलग से हैं, इनसाइड के अलग से हैं, इंटीरियर के अलग से हैं। तो ये सब लाइव स्टॉक हैं, ठीक है। बजाज फाइनेंस है, आप देखिए बजाज फाइनेंस वाले हो गए, चाहे वो कोटक बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, आजकल हाँ हर किसी के पास इन बैंक्स ने जो है ये दे दिया है, क्रेडिट कार्ड दे दिया है। तो लोगों की एक्सपेंस जो है बढ़ चुके हैं, पावर आ गई है, फाइनेंशियल पावर आ गई है। हर बार फोन आते हैं, आज ही मुझे 2 फोन आए हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, एक और ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लोन के बारे में बात कर रहे हैं आप, पर्सनल लोन ले लीजिए, सस्ता हो गया है। पहले जहाँ पर्सनल लोन हमको 12-13% पे मिलता था, आज वही हमको 8-9% में दे रही है बैंक। तो ये सब फोन आते रहते हैं। ये सब कंपनी जो हमने इस साल इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा जो हमारे जो कुछ स्टॉक्स हैं जो हम टारगेट लेके छोड़ते हैं, कि जो छोटे स्टॉक हैं कंपनीज का मार्केट कैप कम है, लेकिन वो आगे चलने वाली ताकत रखती हैं, लेकिन जो राइट प्लेस पे जो डाउन ट्रेंड में थी, अब उनका जो है सर्कल चेंज हुआ है, तो वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है। जैसे हमारा एक ITD सीमेंट है, वो हमारा चल रहा है। BEL कश्यप अपने थोड़ी देर पहले लिया था, काफी अच्छा 40% गेन दे दिया उसने। उसके बाद और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो हम टाइम टाइम पे शेयर करते रहते हैं, और हमारे तो हर स्टॉक के साथ सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर से आप पूछ सकते हो भाई ये स्टॉक का सीरियल नंबर था, इसका क्या हुआ।
वैसे हम रजिस्टर्ड क्लाइंट को हम व्हाट्सएप देते हैं कि ये हमने आउट कर दिया है, ट्विटर पे यहाँ पर थोड़ा बाद में आता है, या कभी कोई भूल भी जाते हैं। लेकिन सारे स्टॉक चले हैं, कुछ हैं जो नहीं चले हैं, लेकिन जो नहीं चलने वाले वो कम हैं और चलने वाले ज़्यादा हैं, और जो नहीं चलने वाले उनको हम इतना बड़ा लॉस भी नहीं लेते हैं कि हम इसमें निकल ही ना पाए, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गए ना, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेके हम निकल लेते हैं। अच्छे एक अच्छे स्टॉक, मैं कुछ एक स्टॉक्स के नाम लेता हूँ, अगर आपको याद हो तो अभी एक मैंने ITDC में बताया, उसके पहले हमने देखिए ऊर्जा ग्लोबल, हमने काफी नीचे का ले रखा है, दो साल पहले का लिया हुआ है। काफी पहले भी एक चीज आपने बताई थी ऊर्जा ग्लोबल, अभी भी होल्ड है। एक FCA सॉफ्टवेयर है, 45 पैसे का लिया है, कुछ पेनी स्टॉक है, अभी भी होल्ड है, और कुछ और भी हैं जो लिए हैं वो नहीं चले, नीचे भी आएंगे, लेकिन जो स्टॉक चले हैं उन लोगों ने 10x 20x तक भी दिया है। और उसके बाद इंसेक्टिसाइड हमने लिया है, काफी अच्छा 40% गेन में चल रहा है। RT इंडिया ले रखा है, उसके बाद KPI ग्रीन हमने काफी नीचे का लिया है, 40% ऊपर चल रहा है। उषा मार्ट लेके बैठे हुए हैं, टाटा मोटर DVR लेके बैठे हुए हैं, KPI टेक ये भी नीचे पकड़ा हुआ है, स्टार पेपर थोड़ा उसी के आसपास है, पिनार इंडस्ट्रीज काफी अच्छा चल दिया, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, DLF हमने एक लेके रखा है जो कि आने वाले टाइम में टैक्स होने के चांसेस हैं, हमने पोस्ट भी किया है ये, अनंतराज पड़ा हुआ है, उसके बाद BL कश्यप चल दिया, ग्रैनुल्स, ITDC में चल रहा, दूसरा कैनरा बैंक हमने लेके रखा हुआ है, ठीक है, काफी नीचे का लिया, अभी तुम्हारा 40% ऊपर आ गया भाई से। कलपत्रु पावर अभी कुछ लेटेस्ट जो लिए हैं वो, जैसे आपका एमटार टेक लिया है, एक सलासर लिया है, वो भी काफी ऊपर आ गया। तो ये सब हमारे जो है इस साल हमने जो लिए थे, और लेके हमने कुछ छोड़ने, कुछ स्टॉप लॉस किसी का हिट हुआ ही नहीं है, लेकिन हम क्या है कि स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हम अगर स्टॉक में वीकनेस मिलती है हम निकल जाते हैं। तो कई स्टॉक्स में निकल गए, जैसे आज हमको हमारा आदरणीय ट्रांसमिशन था, आज हम उसमें से निकले हैं, क्योंकि हमारा एक माइनर स्टॉप लॉस था, लगा था कि यहाँ से मूव होगा लेकिन नहीं हुआ। और दूसरा उसके फंडामेंटल्स थोड़े से मुझे वीक दिखाई दे रहे थे, तो उससे निकल गए, दोबारा से बेस बनेगा तो एंट्री हम कर लेंगे। तो उसके बाद आपके साथ जो ज्वाइन हुआ है तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, जैसे अलर्ट आ जाता है तुरंत, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे अपनी जो है गूगल शीट को देखना पड़ता था, अब देखने की जरूरत नहीं है, तो इट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स टू माय व्हाट्सएप एंड आई कम टू नो दैट स्टॉक टारगेट हिट और स्टॉप लॉस हिट व्हाटएवर इट इज, उसके बेस पे हम अपने जो रजिस्टर्ड क्लाइंट है उनको भी हमारे सीधा सीधा वर्ड मैसेज चले जाते हैं। तो अब 2023 की अगर आपने पूछा, अगर वो बात हम करें, तो देखिए इस साल का जो जिस हिसाब से हम डेटा देख रहे हैं, तो वो ये दिख रहा है कि एक इंडिया के अंदर ना एक बहुत बड़ा, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे ना, आज हम एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा हो रहा है हमारा, तो हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रहे हैं। जैसे हम मैक्सिमम, हम पहले प्रोडक्ट जो है चाइना से इंपोर्ट करते थे ना, आज हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो हमारी कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, प्लस हमारी शिपिंग कंपनीज हैं, है ना, और जो एक्सपोर्ट की जो कंपनीज है उनके अंदर फोकस अगले साल में हो सकता है कि यस, जो छोटे छोटे उसमें ITs भी आते हैं मैक्सिमम, जैसे एप्पल का है ना आईफोन वगैरह, इसका इंडिया में सेटअप हो चुका है, इंडिया में सब कुछ बन रहा है। अभी देखिए पहले के जमाने में जो TV थी, ठीक है, जो 30-35 हज़ार की मिलती थी बाहर से, आज वो इंडिया में ही असम्बल हो रही है। ये बात दूसरी है कि उसकी जो भी पार्ट्स हैं वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आने वाले टाइम में इंडिया जो है सबसे बड़ा IT हब बनने के लिए तैयार है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक जो EV जो आ रहा है, अब इसमें टाटा मोटर हो गया, आयशर मोटर हो गया, ये दो ही मुझे प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कि इसके अंदर EV के अंदर छा सकते हैं फ्यूचर में। और आप देख रहे हो हर जगह, अभी जहां मैं रहता हूं तो मैं तो कहता हूं, मैं तो हमेशा बात करता हूं लाइव स्टॉक की, अब मेरे सामने जो रोड है उसमें तो मैं, मेरे को 10 में से 8 गाड़ियां EV हैं यार, व्हीकल वो वाली हैं, तो सीधा से दिख रहा है कि यस फ्यूचर में, अगले किसी ने कहा था कि अगले 10 साल तक EV में कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे तो मेरे सामने ग्राउंड टू मुझे दिखाई दे रही है। तो टाटा मोटर भी चला नहीं है, आयशर भी नहीं चला है, हमने तो अगर आयशर नीचे लिया था ऊपर भेज दिया, अब दोबारा से बाय करेंगे, लेकिन अब अगले साल में ये इनका आ गया है टाइम, शायद ये चलेंगे। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमको 2023 के एंड तक हमको जो है 25,000 दिखती है कि वहां तक जानी चाहिए, और जाएगी तो उसके ऊपर, इसमें ऐसा नहीं है कि वहां तक जाकर रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो निफ्टी तो इन फ्यूचर तो 10 साल में 1 लाख भी जाएगा, 1 लाख या 2 लाख भी जाएगा,
लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जो है इंडियन मार्केट जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड के मुकाबले काफी अच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने जा रहे हैं मैक्सिमम, तो आप पता जो एक्सपोर्ट होगा तो कितना पैसा इंडिया के अंदर आने वाला है। और जो बड़ी बड़ी जो प्लेयर हैं बाहर के, जो FIs हैं, सारे पैसे जो है इंडिया में लगा रहे हैं, बिल्ड कंपनीज में FIs। अगर मैं भी देखिए कोई स्टॉक ढूंढता हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एक सैलासर हमने स्टॉक दिया था, उसके अंदर FIs ने अपनी 12% का जो है होल्डिंग बढ़ाया है। तो ये सब दिखाता है कि जो अच्छी कंपनीज अब जो चल चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए, जैसे मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया है ना, आपका टाटा एलेक्सी हो गया है ना, बाला माइंस हो गया, ये सब काफी ग्रोथ हो चुकी है। अब उनके अंदर जो है आपको अगर 12,000 का शेयर लोगे तो वो एकदम से 24,000 नहीं हो जाएगा, वो 10,000 नहीं होगा। आपको वो स्टॉक पकड़ने जिनका मार्केट का अभी थोड़ा कम है, जैसे हमने एक सलाह सर लिया था, हमने काफी अच्छा इसमें FIs ने होल्ड किया है, चल रहा है और चल भी दिया। टेक्निकल फंडामेंटली मेरे को लगा कि अरे चलेगा नहीं, लेकिन वो जैसे ही उसमें वो कुछ हुआ तो वो चलना शुरू कर दिया। ITD सीमेंट किसने देखा ही नहीं है, वो चल रहा है। तो ये सब सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी हैं, लॉजिस्टिक्स हो गया और शिपिंग कंपनी जो हो गया, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो जाएगा तो उसी के थ्रू ना, पानी के थ्रू जाएगा वो, तो उन पे फोकस रखेंगे तो मुझे लगता है कि 2023 में काफी पैसा बनने वाला। और अगले 2 साल जो है मुझे लगता है कि यार ये एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है, अभी तक जो मैंने पहले भी ये बात कही थी एक बार, अभी तक जो हिस्ट्री में नहीं हुआ है वो शायद अगले इस 2 साल के अंदर होगा मेरे हिसाब से। तो ये मेरा व्यू था इस साल का और अगले साल का, देखते हैं बाकी एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, हमको भी सुनना थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये मेरे व्यूज थे, व्यूज रॉन्ग हो सकते हैं, किसी को मैंने कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया, सिर्फ मेरे व्यूज हैं, बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन करने के लिए। डेफिनेटली जैसे जस्ट अ डिस्कशन की, हमारा एक डिस्कशन चल रहा है कि हाँ किस तरीके से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, तो उस चीज पे काफी डिस्कशन का हमारा मोटो ही वही है कि कैसा रहा एक अपना ये साल और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर वाइज भी आपने काफी अच्छा व्यू डाला यहाँ पर कि क्यों, विद रीजन आपने सबसे अच्छी बात की विद रीजन बताया कि क्यों आप पर्टिकुलर किसी सेक्टर को सोच रहे हैं यहाँ पर, कि हाँ अगर हमें देखने को मिलेगा तो क्यों मिल सकता है, और ये चीज काफी अच्छी है। तो मतलब काफी अच्छा आइडिया लगा, आइए अक्षय जी से भी थोड़ा सुनते हैं उनके बारे में इससे सेम क्वेश्चन के साथ। अक्षय जी कैसा रहा अपना ये साल 2022, कैसी ग्रोथ रही, कैसा लाइक क्या मोमेंट अपन को, क्या अपन के टॉप प्लेयर्स रहे जो आपने लिए थे और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और क्या फिर अपन 2023 में देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, एक्चुअली रिसेंटली एक वीडियो भी हमने इन्वेस्टमेंट ट्राइब के लिए बनाया था, बेस्ट ट्रेड्स वाला, तो रोहन जी भी जानते हैं उसके बारे में। तो वही मैं सोच रहा था कि अभी वहां पे सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए, अभी और इसमें कौन से कवर करें, तो मैंने स्पेसिफिक एक लिस्ट ही बना लिया कि इतने हम शेयर करते हैं, क्योंकि वरना तो डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा, फिर सब लोग बोर हो जाएंगे। तो बेस्ट इन 2022 अगर बोलते तो उगार शुगर ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया, एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिया। शुगर स्टॉक्स का ग्रोथ स्टोरी तो सब जानते हैं। इसमें से अक्षय जी मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, यहाँ पे साथ में जैसे रौनक जी बोल रहे थे कि यहाँ काफी सारे वो होल्ड भी किए हुए हैं, तो लाइक कैन अस नो कि क्या आप होल्ड भी किए हुए हैं और क्या एग्जिट कर चुके हैं जो एक टॉप में हैं इस साल के आपके? उगार शुगर तो मैं 14-15 के लेवल से होल्ड कर रहा था, मैंने बाद में 34-44 के लेवल्स पे ऐड भी किया, और 83-84 को मुझे लगा कि टॉप आउट हो चुका है इसलिए मैंने एग्जिट किया, ऑलमोस्ट एग्जिट कर लिया, फ्री होल्डिंग बाकी है उसका। बट वो फिर से 90 तक चला गया, मुझे लग नहीं रहा था ऊपर जाएगा, बट आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट। उसके बाद करूर वैश्य है, करूर वैश्य ने काफी वेट करवाया, काफी महीनों से वेट करवाया, मतलब हमारा दोस्तों के साथ क्लाइंट के साथ डिस्कशन भी होता था, अरे और कितना इसको होल्ड करना है, होल्ड करके मतलब थक चुके अभी छोड़ देते, बट वी स्टिल होल्ड ऑन टू दैट। वो भी 90 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑलमोस्ट 100% का रैली हमने कैप्चर कर लिया, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें बहुत बढ़िया था, मतलब 35 के नीचे हम एग्जिट करने वाले थे वीकली क्लोज बेसिस पे, बट उसके नीचे तो गया नहीं वो वीकली क्लोज पे, तो ऊपर जैसे आया 90-91 रैली बहुत अच्छा दे दिया करूर वैश्य, वो भी आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू ऑलमोस्ट 30-35%। अदानी पावर ने बहुत अच्छा रैली दिया, उसमें भी ट्रायंगल पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे, और मेरे ख्याल से 130-140 के बीच में लिया था। उसके बाद
फिर से एंटर करने का उसने मौका ही नहीं दिया। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए उसके 240-250 के आसपास, बट वो फिर से मतलब काफी ऊपर आया अभी, आई गेस 320-340 के लेवल पे रहेगा। एंड उसके बाद L&T ने भी काफी अच्छा रैली दिया, 1600 से 1700 के बीच में उसको एक्यूमुलेट किया था और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया उसका ऑल टाइम हाई पे, मतलब 2050 के आसपास, बट इट इज स्टिल गोइंग हाई एंड हाई, 2160-70 के आसपास चल रहा होगा वो। और सेंट्रल बैंक इसके ऊपर में तो मैंने मतलब मैंने जैसे लिया था मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाया था कि इट इज़ अ वेरी गुड बैंक टू एड ऑन एज ऑफ नाउ, 19 रुपीज़ के आसपास चल रहा था और वो 29.35 के आसपास उसका GTT ट्रिगर हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया, बट आज भी काफ़ी अच्छा रैली दिया मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक ने, 31 तक चला गया है वो। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले मतलब ये तो हो गया L&T हो गया, अदानी पावर हो गया या फिर करोड़ वैश हो गया, और मैंने इन्वेस्टमेंट ट्राइब ज्वाइन किया था जुलाई 2022 में, ठीक है, उसके पहले तक के अगर गेंस में देखता हूँ तो 10-12% थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे पहले 6 महीने में, बट जैसे इन्वेस्टमेंट ट्राइब मैंने ज्वाइन कर लिया, ऑल्सो यू नो अटैच माई फोलियो विथ इट और मैंने डमी भी पोर्टफोलियोज बनाए थे उसमें, तो सब मिला के ऑलमोस्ट जो पिछले 5 महीने मतलब जुलाई से लेके अगर हम नवंबर तक की बात करते तो विथ प्रूफ अपने रिटर्न से ऑलमोस्ट 24.51%, और इसमें सक्सेस रेशो इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, 60% हिट रेशो है सिर्फ अपना, और 60% हिट रेशो के साथ में हमने ऑलमोस्ट 23-24% के गेंस बना लिए, तो वो एक काफ़ी अच्छा मतलब कैसे होता है, चार्ट डालो उसके बाद वहाँ पे उस पर डालो कि टारगेट मिल गया, उससे अच्छा इधर तो कोई भी आके रेडिली देख सकता है कि इस बंदे ने कितना रिटर्न कमाया, कौन से स्टॉक्स पे कमाया और कितने रैली जिसने कैप्चर कर लिए। तो इन्वेस्टमेंट ट्राइब के साथ में अगर मैं बोलता हूँ तो जो टॉप गेनर्स थे इन्वेस्टमेंट ट्राइब के पोर्टफोलियो के, उसमें था अपना इंडियन बैंक, वो हमने लिया था ऑलमोस्ट 186 के आसपास और 260 पे हमने बेच दिया। उसके बाद KRBL भी 146 से लेके सॉरी 290 से लेके ऑलमोस्ट 381 पे बेच दिया, और TVS मोटर्स हमने लिया था 841 को और 1100 के आसपास का उसका टारगेट था, तो वो भी हिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट ट्राइब में मतलब विथ प्रूफ जो है आपने ये सारे स्टॉक्स हैं, सेंट्रल बैंक हो गया, SBI हो गया, इंडियन बैंक, KRBL, TVS मोटर्स एंड स्पेशली PSU बैंक्स ने बहुत अच्छा रैली दिया है, जैसे मेरे ख्याल से रौनक सर भी बोल रहे थे कैनरा बैंक, तो कैनरा भी बहुत अच्छा बैंक है बट उसमें मेरा एंट्री का ट्रिगर ही नहीं हुआ GTT, उसकी वजह से उसमें एंट्री बाकी रह गया, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ पुल बैक टू एंटर इन कैनरा बैंक। और अगर बेस्ट सेक्टर्स में बोलता हूँ 2023 के लिए, हम पहले सेक्टर्स बात करेंगे उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे, तो मुझे लगता है जो अपना स्पेशलिटी केमिकल्स का और ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, और उसके बाद ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो रौनक जी भी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार्स का काफ़ी अच्छा आने वाले दिनों में हो सकता है, सो दीज आर द 3 सेक्टर्स आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो पूरा अदानी ग्रुप हम बात कर सकते हैं, टाटा पावर देख सकते हैं, स्पेशली JSW एनर्जी भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ हलचल होने के मतलब बिल्कुल आसार लग रहे हैं मुझे। उसके बाद अगर स्पेशलिटी केमिकल्स हम देखते तो उसमें UPL अच्छा है, दीपक नाइट्रेट ने ऑलरेडी अच्छा रैली दिया है बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग सम मोर फ्रॉम दैट, टाटा केमिकल्स भी बहुत अच्छा है, आरती इंडस्ट्रीज भी अच्छा है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ऑफकोर्स टाटा पावर, टाटा मोटर तो अभी जायंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी रिसेंटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो उसमें भी ब्रेकआउट देने के बाद उसने रैली भी दिया, उसके बाद थोड़ा पुलबैक भी हमने देखा वीकली चार्ट्स पे, उस पर भी मैं काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड PSU बैंक्स में स्पेशली कैनरा बैंक है, मुझे ग्रोथ स्टोरी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली भी मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ इनसाइड, इसलिए वो भी अच्छा लग रहा है, एंड ऑफकोर्स सेंट्रल बैंक भी अच्छा लग रहा है वो केस में। और रिसेंटली मैंने YouTube पे भी एक नया सीरीज चालू किया था कि स्टॉक वही सोच नहीं, मतलब स्टॉक तो वही है बट उसको हम अगर अलग परसेप्शन से देखते तो हमें काफ़ी अच्छे उसमें ग्रोथ नज़र आ सकती है, उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उसके में जो मैंने 4 स्टॉक्स कवर किए वो 4 स्टॉक्स है हाईटेक गेयर, मुथूट कैपिटल, IEX और दीपक नाइट्रेट, तो ये 4 स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस भी मैंने डाला हुआ है कि क्यों मैं इन लोगों से, इन स्टॉक से बहुत अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड कपल ऑफ मोर स्टॉक्स वुड बी UBL, यूनाइटेड ब्रिवरेज, वो काफ़ी महीनों से अभी कंसोलिडेट होते जा रहा है, 2022 उसका पूरा ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में चला गया, तो 2023 में ये ब्रेकआउट देगा ऐसे लग रहा है मुझे। एंड ऑल्सो आदित्य बिरला फैशन, इसमें भी ऑलमोस्ट
मतलब मुझे लग रहा है 1.5x 2x तक का इसमें पोटेंशियल है दोनों स्टॉक्स में। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखते तो मतलब इतना कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की या फिर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट साइक्लिकल स्टॉक्स, विदाउट एनी हाइड्रेट कंपनीज, अगर हम सिंपल सा भी बास्केट बनाते हैं, जैसे हम हमें ऑलरेडी IWT ने, इन्वेस्टमेंट ट्राइब ने ऑलरेडी फीचर दिया है स्टॉक बास्केट का, तो सिंपल अगर हम लेते हैं जैसे कि HUL समझ लीजिए, सिंपल एंड क्लीन स्टॉक है, उसमें डेट इक्विटी रेशो बहुत कम है 0.2% का, और जैसे लाइव स्टॉक है हमें नजर आ रहा है रोज का कंजम्पशन अपना क्या हो रहा है, इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी हमें पता है, तो ऐसे सिंपल स्टॉक भी अगर हम सिलेक्ट करते हैं 2023 के लिए तो उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा गेन मिलेगा। बट अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली FIIDI फुटप्रिंट देखना ज़रूरी है, एंड उसके साथ साथ हम जितना स्मॉल कैप मिड कैप पे फोकस करें उतना हमें रैली बड़ा दिख सकता है, बिकॉज कंपनी जितनी बड़ी होगी उसको और बढ़ाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए जितने छोटे मार्केट कैप और कैपिटल फ्लोट के साथ अगर हम जाते हैं तो उतना हमारे लिए बेहतर है। दैट विल बी माय व्यू। आवाज आ रही ना मेरी? हम जी या अच्छा है या श्योर, काफी अच्छा व्यू आपने यहाँ पे डाला है कि कैसा अपना रहा और क्या अपन सोच सकते हैं। आई थिंक हमारे लिसनर्स को काफी अच्छा आइडिया लगा होगा इससे। रौनक जी ने भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्यों और कैसे और कब, और सेम थिंग आपने भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बीच में पहले मैं लिसनर्स को बोलना चाहूंगा तो कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो लाइक वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर के लिए। सो मैं उनके क्वेश्चन के लिए उनको एज अ स्पीकर एक्सेप्ट करूंगा, एंड देन दे कैन लाइक जिस भी एक्सपर्ट से उनका क्वेश्चन रहता है दे कैन आस्क। आप जरा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आई थिंक इस पे भी मैं नया हूँ थोड़ा सा, इस पे कुछ ऑप्शन आता है हाथ हिलाने का, वहां पे देखना आप लोग ट्विटर पे, तो हाथ हिला देना अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, तो डेफिनेटली मैं कनेक्ट करवाता हूँ आपको डायरेक्टली एक्सपर्ट के साथ में। हाय यशराज जी, कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ। अमन, आप कैसे हैं? कहाँ रह गए थे आज? सॉरी, थोड़ा थोड़ा सा स्टक था मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जैसे ही पूछ रहा, मैंने कहाँ रह गए आज। यशराज जी कैसा चल रहा है, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था सर आज का दिन। ज्यादा ट्रेडिंग मैं तो मैं काफी लाइट हूँ अभी पिछले कुछ दिनों से। हाँ, ये तो मैं खुद ही देख रहा हूँ, काफी नहीं बहुत ज्यादा लाइट हो, तो इतना भी लाइट नहीं होता है। बस स्टार्ट करेंगे सर। अपॉर्चुनिटीज वगैरह इतना वैसी वाली अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है तो। जरूर। तो आज का जैसे मैंने, आप अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए थे, जस्ट मैं बताना चाहूंगा जैसे आज का हम लोगों ने रखा है टॉपिक की स्टॉक बास्केट 2020-23। तो इसमें हम दो ही चीजें मेन डिस्कस कर रहे हैं, एक कैसा रहा अपना 2022, क्या आपने टॉप परफॉर्मर रहे उसमें से, अगर कुछ टॉप परफॉर्मर हैं जैसे अगर आप शेयर कर सकें जो आप होल्ड भी करके रखे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो कैरी कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेक्टर वाइज एक कि हाँ ये माहौल या ये मूवमेंट होना चाहिए, ये थीम है, क्या क्या थीम बन रही है 2023 के लिए। बिकॉज अगर देखेंगे तो लगभग ईयर एंड होने वाला ही है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो आई थिंक काफी लोगों ने तो ऑलरेडी, मैंने तो पर्सनली प्लानिंग स्टार्ट कर दी है कि क्या थीम होनी चाहिए मेरी अब पूरे जी जी अपकमिंग नेक्स्ट ईयर के लिए। तो लेट्स आप तो सुनते हैं इस बारे में थोड़ा। ये 2022 हैज नॉट बीन वेरी एक्सेप्शनल फॉर मी। लाइक इस साल मैंने पैसे कमाने के हिसाब से पैसा कमाया, बट इट वाज अ वेरी वॉलेटाइल ईयर टिल नाउ। एंड ऐसे अर्निंग पर्सपेक्टिव से इफ आई टॉक अबाउट, इट्स नॉट वेरी एक्सेप्शनल, बट लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे बहुत सारा कुछ सीखा है। एंड जैसे आपने पूछा कि स्टॉक्स बेसिस पे आई एम नॉट होल्डिंग एनीथिंग, जो कि पर्टिकुलरली मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ होल्डिंग्स है जो मैंने अभी 15-20 दिन पहले जब मैं उस कैंप के अंदर गया था, बिफोर दैट आई इनिशिएटेड सम पोजीशंस, और जस्ट की बिकॉज इफ आई नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट्स, एटलीस्ट सम मनी शुड बी मेड। तो उस पर्सपेक्टिव से वहां पे मैं पोजीशंस लेके गया था। एंड एज यू नो ऑल, हम जितने लोग पुराने यहाँ पर है, दैट आई एम अ प्योर ट्रेडर। खास करके मेरा जो है कमोडिटी में ज्यादा मैं ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ऐसा है, ये कमोडिटी। पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपसे कि आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। आई थिंक आप लास्ट सेशन में उस वक्त यू वर नॉट अवेलेबल इन दैट सेशन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कमोडिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर के व्यूज
So you weren't there, I guess. I was there when he सोचा कि हाँ ये views हैं like okay but I don't ये नहीं पता था मुझे कि trade करते हैं commodity में काफी अच्छा है अमन when it is about commodities वहाँ पे मैं ना चेहरा खिल जाता है एकदम मैं सबसे आगे आ जाता हूँ ऐसा है नहीं अपन को तो बहुत कम ही knowledge है commodity की तो literally जी तो last session में पूछा था कि ऐसा कौन सा trade है जो कि काफी तो मैंने दो ट्रेड के नाम बताए भी थे जील में एंड मेड गुड मनी इन द फेब्रुअरी ऑफ दिस ईयर एंड पावर ग्रिड के अंदर आई मेड गुड मनी सो दो पोजीशंस थी एंड अ कंप्लीट ट्रेडिंग उसके अंदर था डेफिनेटली आप अगर कमोडिटी की बात करें हैं कर ही रहे हैं तो लाइक ओके 2023 की चलो 2022 जैसा रहा है लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी आपका काफी अच्छा है जैसे तो 2023 की अगर बात करते हैं एक इधर सेक्टर वाइज भी और कमोडिटी मार्केट में भी हम क्या देख सकते हैं like, लिसनर्स को काफी अच्छा लगेगा आई थिंक ये जान के कि हाँ हम उस चीज पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या देख सकते हैं हम 2023 में के अंदर क्या मतलब आपको माहौल लग रहा है क्या थीम लग रही है उस साइड में भी हाँ जी देखिए दो चीज हम कमोडिटी के अंदर ना मुझे जो एनर्जी सेक्टर हैज ऑलवेज बीन अ वोलेटाइल सेक्टर एनर्जी सेक्टर मतलब आपका क्रूड एंड नेचुरल गैसेस के अंदर ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म व्यूज देना जो है वो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी बट जैसे गोल्ड सिल्वर के अंदर एंड मेटल्स के अंदर ना आप कुछ व्यूज ले सकते हैं उसके अंदर कुछ आप अपना जो है ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो अभी गोल्ड सिल्वर जिस हिसाब से हमने देखा कि वॉलेटाइल रहे हैं बिकॉज ऑफ जो रशिया एंड यूक्रेन का भी मार्च के अंदर जो फियास्को था दैट टाइम गोल्ड सिल्वर के अंदर अच्छे प्राइजेस एक्सटेंड हुए थे ऊपर की साइड उसके बाद में एक कंसोलिडेशन फेज था फिर नीचे आए फिर अगेन प्राइजेस स्टेबल होने लगे सो आई थिंक इन 2023 इफ वी टॉक अबाउट कमोडिटी देन बुलियंस आर टेन टू परफॉर्म वेल एंड बेस मेटल्स आर ऑल्सो टेन टू परफॉर्म वेल ठीक है ट्रेंड तो अप है देर इज नो डाउट अबाउट दैट बट अभी इतने टाइम से जो कंसोलिडेशन था ना ये जो कंसोलिडेशन होता है इट बोर्स आउट पीपल ठीक है सो जो वीक हैंड्स होते हैं जिनको बहुत तेजी से पैसा बनाना होता है जो वेट नहीं कर सकते हैं तो जो इम्पेशेंट लोग थे दे आर आउट मोस्टली दे आर आउट एंड दे वर बीटन रियली बैड जब जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर से यू कैन एक्सपेक्ट गुड इन 2023 और निफ्टी के अंदर भी जो है जैसे कि सर ने कहा कि हमारा इंडियन मार्केट ज्यादा उससे वो नहीं हुआ है ज्यादा मतलब जो भी रिसेशन वाला सिचुएशन था या फिर जिस वजह से मार्केट फॉल हुए थे हम लोग ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए सो ये एक ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पर निफ्टी को भी यू कैन एक्सपेक्ट लाइक इट विल परफॉर्म वेल एंड गोल्ड सिल्वर से भी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल परफॉर्म वेल यूजुअली गोल्ड सिल्वर आर कंसिडर्ड एज सेफ हेवन बाय बट अभी यहाँ पे जो है अगर इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज है तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन those things और वहां पे क्विक अपसाइड लेकर के बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर यूजुअली मार्केट जो है एक अच्छा अप मूव लेता है या फिर एक डाउन मूव लेता है उसके बाद में इट स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट सो आपको बिफोर दैट कंसोलिडेशन हैपेंस और इफ दैट कंसोलिडेशन ब्रेक्स आउट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर पोजीशन यू नीड टू लाइक कैश आउट व्हाटएवर प्रॉफिट्स यू आर मेकिंग सो आप कमोडिटीज को इस हिसाब से जैसे लोग जो लोग हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर कमोडिटीज के अंदर जैसे गोल्ड सिल्वर के अंदर जो है वो ले करके रखे रहते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इतना बेटर नहीं है लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है डेफिनेटली काफी सही आपने कमोडिटी के बारे में थोड़ा सा अभी तो आपसे किसी दिन अपन जूम कॉल पे कनेक्ट होते हैं और डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा मैं भी सीखना चाहता हूँ काफी टाइम से डेफिनेटली काफी मदद मिलेगी यहाँ पे आपसे सीखने में और नाउ अभी हम अपना लिसनर्स के थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है एक आनंद राज जी हैं आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हैं सो एक बार जस्ट मैं इनको लाइन पे लेता हूँ हेलो हाय आनंद आनंद जी मैंने आपको स्पीकर इनवाइट भेजा है आपका क्या क्वेश्चन है आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन है और कौन से एक्सपर्ट से आप अपना पूछ सकते हैं जिस भी एक्सपर्ट से आपका क्वेश्चन है सो मेरा क्वेश्चन राइड मल्टीबैगर से है उनका मैं ट्विटर पे सब देखता रहता हूं तो वो उनका जो स्टॉक है वो बहुत अच्छे अच्छे जाते हैं तो उनसे मेरे को
थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए कि आप क्या देखते हैं जो कि ब्रेकआउट से पहले आप स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और वो बहुत अच्छा मतलब रिटर्न देता है, तो आप क्या 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 देखते हैं उसमें, मैं वो जानना चाहता हूँ। रौनक जी। यस हाँ आनंद जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस ऑन राइट मल्टीबैगर, और आपके हम देखते रहते हैं, आप लाइक वगैरह करते रहते हो, ट्वीट करते रहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। देखिए सबसे पहले तो देखिए जब भी कोई स्टॉक को आप देते हो ना सर, लेते हो, तो उसका सबसे पहले आप देखिए कि उसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है। मैं तीन चीजें बोलता हूँ, ठीक है, प्राइस, पैटर्न एंड वॉल्यूम। यस, प्राइस जब उसका कुछ दिखा रहा है, मान लीजिए कि आज किसी स्टॉक का प्राइस आपको 8% ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको देखिए कि व्हाई दैट प्राइस इज गोइंग अप, क्या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, क्या उसके अंदर वॉल्यूम आ रही है। और वॉल्यूम को सबसे अच्छा तरीका है कंफर्म करने का, कभी कभी क्या होता है कि अगर स्टॉक इज मूविंग अप बट द वॉल्यूम्स आर पॉजिटिव बट एक्चुअली दे आर नेगेटिव, अब वो आप पॉजिटिव नेगेटिव वॉल्यूम को किस तरीके से देख सकते हो, उसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रिक है, आप जो कैंडल्स लगाते हो चार्ट के ऊपर उसको थोड़ा सा हैकी-नैकी में कर लीजिए, हैकी-नैशी बोलते हैं जो भी बोलते हो आप लोग, उसको अगर आप देखोगे तो उसमें आपको वॉल्यूम का कलर चेंज हो सकता है, हो सकता है वो रेड हो, आपको दिख रहा रेड है लेकिन वहां पर ग्रीन है, तो आप उसको देख के कंफर्म कर सकते हो कि वॉल्यूम प्लस में है या ग्रीन में है, क्योंकि वो जो है वॉल्यूम को एक एवरेज के हिसाब से लेता है। और अगर दूसरी बात, जैसे एक तरीका दूसरा ये है कि वॉल्यूम मान लीजिए कि काफी ग्रीन है और प्राइस ऊपर जा रहा है, पैटर्न अभी नहीं बन रहा है, बनने वाला है, तो वॉल्यूम जब भी आती है वो पूरे दिन में नहीं आती, वो कहीं बीच में आएगी, एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए, तो उसके लिए क्या करना है आपने कि आप अपने चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में लेके आइए एक मिनट के ऊपर, तो जब आप एक मिनट में आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसके अंदर बाइंग हुई या सेलिंग हुई है, ठीक है, तो वो जो एक बड़ी कैंडल आपको नजर आएगी वॉल्यूम वाली बीच में कहीं पर भी जहां पर बाइंग हुई है, अगर वो रेड में है इट मीन्स की सेलिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है, तो इस आपने देखा होगा कई स्टॉक ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं धड़ाम से, वो इसीलिए आते हैं कि उनका जो वॉल्यूम जो बाय हुआ है तो वो किसी ने उसको अपनी पोजीशन को निकाला है धीरे धीरे, एक बार में फिर वो धीरे से फिर ऊपर ले गया फिर निकाला है, उस तरीके से वो स्टॉक ऊपर जाते हैं फिर वो नीचे आते फिर नीचे ही चले जाते हैं, वो ये सब अंदर की टेक्निक्स है। दूसरा आपको पैटर्न देखना है, आप पैटर्न देखिए, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि पैटर्न आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे पैटर्न एक ही हैं, कप एंड हैंडल को आप एक फ्लैग ब्रेकआउट की तरह भी देख सकते हो, एक आप वीसीपी पैटर्न की तरह भी देख सकते हो, एक आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तरह भी देख सकते हो, है वो तीनों एक ही है, अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको देखते कैसे हो, राइट। तो इसी तरीके से हम जो है ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को पकड़ते हैं, बाकी कुछ अंदर की सेटिंग्स है जो यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्क्लोज करेंगे तो सभी लोग उसमें लग जाएंगे लेकिन वो काम करेगा नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, आपका जो काम करेगा वो करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस, जितने ज्यादा आप चार्ट देखोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा, आजकल पहले एक्सपीरियंस था कि आप ट्रेड करते रहो एक दो साल दस साल पंद्रह साल, आजकल वो नहीं है, आजकल जितने ज्यादा चार्ट आप देखोगे दिन में उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस, उतने ही जल्दी आप अच्छे एक्सपर्ट इन्वेस्टर होंगे। ओके सो वन मोर लिटिल क्वेश्चन, लाइक आपने मेंशन किया था कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें एफआई डीआई पोजीशन बना रहे हैं, तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो आप जैसे आज एफआई ने किसी स्टॉक को बाय किया तो उसमें हम कैसे देखें कि एफआई ने खरीदा है, वो मेरे को जानना है कि मतलब किस तरह से उसमें शायद मेरे हिसाब से ट्रेड में ट्वीट है, आप उसमें ट्रेड लाइक है वेबसाइट है ट्रेंड में कहां किया वहां पे चाहिए मॉर्निंग आप उस एफआई जो वो आप जो है डेट बेसिस पे नहीं देख सकते हो, आपको वो क्वार्टरली बेस पे मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एक और चीज है कि आप एक स्टॉकेज है इनका ना विवेक जी का, आप उस स्टॉकेज को भी रिफर कर सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है एफआई का डेटा मिल जाएगा, लेकिन आप इंस्टेंटली किसी एफआई ने बाय किया है उसका फिलहाल मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक है, कि वो कैसे इंस्टेंटली कैसे आप देख सकते हो, मेरे पास भी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, हो सकता है किसी को मालूम हो तो वो प्रकाश डालें इसके ऊपर। डेफिनेटली हाँ रौनक जी कोई अगर इसमें से अच्छा जी क्वेश्चन आपने सुना हो
और बोलना चाहें इसके ऊपर? हाँ जी, मैंने सुना क्वेश्चन एफआईडीआई का, जैसे रोनक जी ने कहा तो मंथली डेटा तो कई सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जैसे ट्रेंडलाइन में मैं यूज करता हूँ इंडिविजुअली, ट्रेंडलाइन पे काफी अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस भी होता है कि एफआईडीआई अब ट्रेंड में जा रहे हैं या फिर वो सेल करते हुए प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जा रहे हैं। ऑल्सो स्टॉकेज इज ऑल्सो गुड, बट डेली जहां तक की बात है, मतलब डेली एफआईडीआई बाइंग, एफआईडीआई स्पेसिफिक बाइंग हमें पता नहीं चलता, बट कुछ ऐप्स है या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स है, आई विल शेयर दैट ऑन ट्विटर, जहां पे डेली बल्क डील का पता चल जाता है, बट उससे हमें ये नहीं पता चलता कि एफआईडीआई का बाएंगे या फिर शायद किसी प्रमोटर का होगा, प्रमोटर ग्रुप के किसी बंदे का होगा या फिर किसी एचएनआई का भी हो सकता है। तो डेली बल्क डील हम पता करा सकते हैं, बट जहां तक एफआईडीआई का स्पेसिफिक बाइंग है, मतलब आज एफआईडीआई में से किसी फंड ने स्पेसिफिक स्टॉक बाय किया है, ऐसा कोई टेक्निक या फिर ऐसा कोई इंसाइट मेरे पास भी एज ऑफ नाउ आई एम इवन नॉट श्योर अबाउट इट। बट जहां तक वॉल्यूम की बात है, हम एक कर सकते हैं हमारे एंड पे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कि एफआईडीआई की फुटप्रिंट हमें फुटप्रिंट जो है हमें अल्टीमेटली डिलीवरी परसेंटेज में दिख जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये कर सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज यूजुअली अगर किसी स्टॉक का समझ लीजिए 20 से 22 लेके 32% तक का है, 20 से 30% का, और किसी दिन अचानक 60 से 70% उसमें जो भी वॉल्यूम खड़ा हुआ है वो सारा डिलीवरी परसेंटेज वाला है, तो हम इसमें से ये मतलब एक एनालाइज कर सकते हैं कि कोई बंदा है जो बहुत बुलिश है और डिलीवरी परसेंटेज ले रहा है डेली बेसिस पे, तो दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द यूज ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। और ये स्टॉकेज पे भी अवेलेबल है, ये कई सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है कि जहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज पता चलता है। मतलब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, समझ लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें 100 सौदे हुए 100 ट्रांजेक्शन हुए, उसमें से ट्रेडिंग का परसेंटेज यूजुअली रहता है ना 80-90% ट्रेडिंग परसेंटेज रहता है, इंट्राडे समझ लीजिए, बीटीएसटी है, जो भी है, ठीक है, और बाकी सारा जो है वो इन्वेस्टिंग का रहता है, मतलब 8-10% लोग जो है उसको डिलीवरी में लेके रख देते हैं। अगर किसी दिन अचानक 60% या फिर 50% डिलीवरी का परसेंटेज बनता है उसमें जो भी बाइंग हुआ है उसमें, तो हम पता कर सकते हैं कि यार ये किसी एचएनआई ने बाय किया या फिर किसी ने थोड़ा मिड टर्म के व्यू के साथ बाय किया हुआ है। सो ये लॉजिक के साथ आप देख सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन डेली बेसिस हम वीकली और मंथली पे जितना ज्यादा एनालाइज करें उतना बेहतर है, बिकॉज व्हेन एफआईडीआई इज एंटर इनटू अ स्टॉक स्पेसिफिकली तो वो तो इतने जल्दी बाहर नहीं निकलते, ऑलमोस्ट 8 से 12 महीनों का उनका साइकिल होता है और 50 से लेके 120% तक का मूव वो पकड़ के ही जाते। सो यहाँ पे मार्क मिनोविनी का जो सुपर परफॉर्मेंस वाला थेरी है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 पे जब स्टॉक जाता है वो वाला यूज करके हम इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं 1 से 2 साल के लिए। श्योर अक्षय जी, काफी सही आपने इस पे व्यू डाला है। एक रोहित जी हैं, आई थिंक ये भी कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं, लेट मी टेक हिम ऑन कॉल। हाय रोहित, हेलो, तो मेरा सवाल क्या? हाय रोहित, हाँ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे है और विद द क्वेश्चन। सवाल अक्षय जी से था, तो जैसे कि ये स्टॉक बास्केट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो मुझे उनसे पूछना है कि लाइक निफ्टी हैज गिवन अ रन अप फ्रॉम 15,800 इन अप्रैल टू 18,800 रिसेंटली, so for 2023 if you are looking at a basket, which sectors would you be looking for, like the sectors that have already given a run up like banks or auto, or some sectors that haven't given any run up as yet like infra or energy? Akshay ji, bilkul sir, bilkul, thank you Rohit, thank you Rohit ji, question ke liye इंफ्रा पे मेरी भी नजर है और रिसेंटली हमने जीएमआर इंफ्रा पे एक वीडियो भी डाला था कि जीएमआर इंफ्रा बहुत अच्छा लग रहा है परचेस के हिसाब से। इंफ्रा ओवरऑल एज अ सेक्टर कई दिनों से बहुत कंसोलिडेशन फेज में है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 2017 वो जो अपना नोटबंदी हुआ था उसके बाद से थोड़ा ओवरऑल रियल इस्टेट को बहुत बड़ा मतलब उससे इम्पैक्ट हुआ है। सो इंफ्रा थोड़ा साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड हम बोल सकते हैं, बट आने वाले सालों में मतलब 2024 का जो अपना इलेक्शन है, यूजुअली इलेक्शन के पहले जो साल रहता है, मतलब हम 2014 से लेके अब तक देख लेते तो इलेक्शन वाला ईयर तो थोड़ा वोलेटाइल रहता है, बट वन ईयर प्रायर टू द इलेक्शन इसमें काफ़ी बूम रहती है। सो 2023 में आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा बुलिश व्यू हमें देखने को मिल सकता है।
और 18,000-19,000 के लेवल से 20,000-22,000 के लेवल तक भी निफ्टी जा सकता है। बाद में बिल्कुल उसमें एक पुल बैक आने की भी डेफिनेटली देर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट निफ्टी ओवरऑल एज एन इंडेक्स फॉर 2023। एंड अबाउट द सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे मतलब बहुत अच्छा एक आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दैट। अगर स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक तो हो गया GMR इंफ्रा, और दूसरा स्टॉक आई वुड लाइक टू ऐड DBL जो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड है अपना, वो भी एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है ऐसे मुझे लगता है। इसका एक स्टोरी है, छोटा सा बैक स्टोरी मैं बोलना चाहूंगा। मैं गोवा गया तो गया हुआ था किसी दोस्त की शादी के लिए, तब मैंने इसको पहली बार मैंने इस कंपनी के बारे में जाना था, DBL के बारे में। उनके पास बहुत से हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी देखा, स्टॉक स्पेसिफिक भी मैंने मतलब टेक्निकल एनालिसिस भी देखा, और उसके बाद मैंने इसको ऐड किया था ऑलमोस्ट मतलब 280 के आसपास कुछ ऐड किया होगा। उससे इसने काफी अच्छा रैली दिया, उसके बाद में मैंने एंट्री लिया, बट 387 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वहां से तो मैं निकल गया। उसके बाद स्टॉक अभी मैं देख रहा हूँ जब चार्ट तो 234 के आसपास है, और ये मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल है DBL का, मतलब 2016-17 में भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, 2019-20 में भी इसी लेवल्स पे सपोर्ट लिया था, और रिसेंटली जून 2022 में भी इन्हीं लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया था। तो एक बहुत अच्छा रिवर्सल स्टोरी बन सकता है DBL में, और जैसे ही अभी ब्रेकआउट देगा सॉर्ट ऑफ यू नो डबल बॉटम पैटर्न, सिमिलर टू डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया हुआ है वीकली चार्ट्स पे, और जैसे ये 250 का लेवल क्रॉस कर देगा तो हायर आएगा रैली ये बाद में चालू कर सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लेवल ऑफ 350 से लेके मतलब 460 तक का रैली हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना ड्यू डिलीजेंस करके इन्वेस्ट करें, बट मुझे DBL का काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है। और GMR इंफ्रा की जहाँ तक बात है, उस पर तो मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कि मैं इसमें क्यों इतना सारा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो अपना 60 से लेके 70 का टारगेट है इसमें क्यों बनता है टेक्नो फंडा बेसिस पे, ये दोनों भी अच्छा है। सो दैट वाज अबाउट द इंफ्रा सेक्टर। मैं शॉर्ट में कवर करूंगा दूसरा भी सेक्टर जो मैंने पहले भी बोले थे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये दोनों सेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑफकोर्स ग्रीन एनर्जी इज ऑल्सो देयर एंड PSU बैंक्स। तो अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अपना हल्क है निफ्टी का, वो काफ़ी अच्छा है। JSW एनर्जी बहुत अच्छा है, टाटा पावर भी काफ़ी अच्छा है। एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो दीपक नाइट्रेट और UPL एंड टाटा केमिकल्स, ये दोनों भी अच्छे हैं। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अगर हम देखते हैं तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा भी ऑलरेडी स्पेस में है बट इतना एक्टिव नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रेटी मच यू नो मूव इन M&M एज वेल। एंड JBM ऑटो लिमिटेड जो है, मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का उनके पास है वर्क ऑर्डर, तो JBM ऑटो को भी हम देख सकते हैं 2023 के लिए। सो स्पेशलिटी केमिकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इंफ्रा सेक्टर्स, दीज आर द सेक्टर्स टू बी फोकस्ड ऑन फॉर 2023। एंड स्टॉक स्पेसिफिक तो मैंने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। सो आई होप दिस answers Rohit's question. Yeah, I think so. Thanks Akshay for answering this. So I think काफी अच्छा insight आपने डाला है एक sector wise इस चीज पे। If anyone किसी और का भी कोई question रहता है, so they can ask. No issues for that. And we are moving to closing side. Ronak जी कुछ add करना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ अमन, ये एक चीज जो अभी अक्षय जी ने बात की थी और शायद यशराज सर ने भी बात किया था, ये स्टॉक टाटा पावर के बारे में। हाँ। तो जहां तक मुझे, मैं मिस हो गया उससे बता नहीं पाया इसके बारे में, तो जितने भी जो इलेक्ट्रिक ईवी जो बन रहे हैं उसके चार्जिंग स्टेशन तो बन रहे हैं ना जगह जगह, जहाँ पर भी जो आपके जो फ्यूल पंप है ना जो पेट्रोल वाले, उन्हीं के साथ शायद ये इनके जो है चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे, और जो उसका पूरा मेरिकल से कॉन्ट्रैक्ट टाटा पावर के पास है। एंड आई थिंक लेह में इन्होंने अपना एक इंस्टॉल कर भी दिया है शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो जगह जगह बनेंगे, तो जो टाटा पावर ही है जो एक मुझे लग रहा है, और दूसरा भी एक अदानी पावर वगैरह जो वो भी है, तो ये कुछ दो कंपनीज है मुझे लगता है कि इनको भी शायद ये परफॉर्म करना चाहिए अगले आने वाले टाइम में। तो मैं तो इनके अंदर डिस्क्लोज देता हूं कि मैं इनके अंदर SIP कर रहा हूं टाटा पावर के अंदर, और इनको शायद भी एक ब्रेकआउट आएगा तो शायद हम इसको सभी दोस्तों को भी सर्कुलेट करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
एसआईपी आप इसमें कर सकते हो, डिस्क्लोजर नहीं है, आपकी मर्जी, बाय आपका खुद का डिसीजन रहेगा दोस्त। श्योर काफी सही। यशराज जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर क्लोजिंग? हाँ, कुछ स्टॉक्स मैंने स्पॉट किए हैं स्टॉक के अंदर, पिछले कुछ मल्टी ईयर हाईज और कुछ मल्टी वीक्स हाई भी इन लोगों के इन स्टॉक्स के अंदर निकले हैं। जैसे ये स्टॉक को आप 2023 के लिए कंसीडर कर सकते हो, इनके अंदर आप बाइंग करना, बिकॉज लास्ट एक साल का इनका जो ये जो स्टॉक्स मैं यहाँ डिस्क्लोज करने वाला हूँ, इनका जो लास्ट एक साल का रिटर्न है समवेयर 30-40% के बीच में है सारे के सारे स्टॉक्स का। और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले एक साल के अंदर या अगले 6 महीने के अंदर ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल, 160 रुपीज का अभी इसके अंदर जो है फिलहाल प्राइस चल रहा है। इसको आप जो है एटलीस्ट 40-50% अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जितने स्टॉक मैं यहाँ बता रहा हूँ सभी के अंदर 40-50% अपसाइड जो है ड्यू है, ठीक है। दूसरा स्टॉक है फैक्ट, FACT, इसका नाम है फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल, ठीक है। ये स्टॉक है 170 रुपीज का, अभी एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, इसके अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में 40-50% का अपसाइड आराम से मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, इसको बाय ऑन डिप्स करना है आपको, 1600-1700 के आसपास अगर डिप मिलता है तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है M&M फाइनेंशियल, काफी अच्छी उम्मीद है मेरी, 300-350 के टारगेट्स आप 2023 में आराम से देख सकते हैं। और पांचवा स्टॉक है जिसके अंदर मैं हाईली बुलिश हूँ, PSU बैंक का फेडरल बैंक, ठीक है। इसके अंदर भी आप 40-50% का जो है अपसाइड आराम से देख सकते हैं। ये 5 स्टॉक है जो मैं अपनी तरफ से जो है मैंने स्पॉट किए हैं, और मैं खुद भी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है कंसिडर करूंगा सही लेवल्स पे। डेफिनेटली काफी सही आपने एक सेक्टर वाइज यहाँ पे 5 से 6 जो फाइंड्स आपकी बताई है लिसनर्स को काफी सबको मैं जरूर ये जरूर बोलना चाहूंगा, दीज आर जस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज हैं। सो लाइक इन्वेस्ट करने से पहले एक कम्प्लीटली एनालिसिस और वो सारा करके ही करें, ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट ने बोला और डायरेक्टली करें, तो एक उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। या अक्षय जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर क्लोजिंग? ऐड तो सर मतलब इंडेक्स जिनको समझ लीजिए एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करना है, दे कैन गो विद द ETFs एंड इंडेक्स फंड्स एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक्स में ही बहुत अच्छा कमाई होता है, उसमें भी होता है, बट उसमें एक दो चीज़ें हैं कि जैसे समझ लीजिए जो इनएक्टिव स्टॉक्स है या फिर जो बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 के पार्ट है, फिर भी कई सालों से उन्हीं लेवल्स पे है, कई सालों से कंसोलिडेट होते जा रहे हैं, जैसे एयरटेल हम समझ सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स छोड़ के बाकी सारे स्टॉक स्पेसिफिक भी जा सकते हैं, अगर इंडेक्स फंड में करना है दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा नहीं कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम करेंगे तो ही बहुत अच्छा जाएंगे, बट अगर इफ यू हैव सम मिनट्स टू स्पेयर इन अ डे तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक जाइए। इन्वेस्टमेंट ट्राइब जैसा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको रेडीमेड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं हर किसी के, नॉट जस्ट मेरे या फिर यशराज जी के या फिर आई वुड से रौनक जी के, बहुत सारे पोर्टफोलियोज है आपके यहाँ पे। सो आप पोर्टफोलियोज खुद देखिए किसका आपको अच्छा लग रहा है, किसके रिटर्न्स किस हिसाब से है, उस हिसाब से यू कैन सिंपली सब्सक्राइब टू द पोर्टफोलियो। और सब सिर्फ मिनट्स में चीजें हो रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने इतना अच्छा टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी हो इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडेक्स फंड में भी कर रहे हो या फिर किसी और वे से भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली गिव इट ए ट्राई कि स्टॉक स्पेसिफिक जाए आप, जो एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा बट जो मेरे जैसे लर्नर्स है स्टॉक मार्केट के, वो जो भी चीजें डाल रहे हैं, जो भी सेटअप यूज कर रहे हैं, उसके साथ अगर आपका भी साइड बाय साइड फायदा हो जाता है जस्ट बाय फॉलोइंग अ पोर्टफोलियो या फिर जस्ट बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पर्सन, देन व्हाई नॉट। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। यहाँ पे भी हम जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टडी पर्पज के लिए हम दे रहे, तो स्टडी पर्पज के लिए है। एंड इन्वेस्टमेंट ट्राइब इज ऑल्सो कमिंग अप विद वेरियस कोर्सेज एज वेल, सो उसका भी डेफिनेटली बेनिफिट लीजिए इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट एनी स्पेसिफिकेशन इन स्टॉक मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल्स हो गया, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन कमोडिटीज तो यशराज जी का भी मतलब बहुत अच्छा इंसाइट है उस पर। तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म बहुत है बट उसमें से सही प्लेटफॉर्म चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो गो फॉर इट। और आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी डाउट रहता है तो IWT की टीम भी है ही साथ में,
और हम जैसे जो उनके साथ जुड़े हुए एसोसिएट्स है या फिर आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट्स है, तो हम भी आपके लिए है, तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। काफी काफी सही एक्सप्लेन किया, इतना अच्छा तो आई थिंक मैं भी अपने आप आईडब्ल्यूटी को खुद से ही एक्सप्लेन नहीं कर पाता। काफी सही आपने व्यू डाला है इस चीज पे। तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो डायरेक्टली वो हमारे एक्सपर्ट्स को ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे वहां पे पूछ सकते हैं या फिर उनको ट्राइब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी पूछ सकते हैं। आई थिंक क्लोज आउट करते हैं रौनक जी, यस जी, अक्षय जी। ओके भाई, बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट। हाँ, थैंक्स रौनक जी, यस एंड अक्षय फॉर कनेक्टिंग। होपफुली नेक्स्ट वीक एक बार फिर कनेक्ट होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू रोहन, थैंक यू सर।